आइए एक नजर डालते हैं बिहार की खबरों की ओर। खबर बिहार के भागलपुर जिले के तिलकमांझी थाना क्षेत्र के नवबाग कॉलोनी से है, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस के रेड में सेक्स रैकेट का संचालक बबुल साह उर्फ अनिल साह के अलावा दो ग्राहक सुरखेल के राजेश कुमार और भीकनपुर गुमंटी नंबर 2 के मोहम्मद शहनशाह कुरैसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजेश की तिलकमांझी में मिठाई की दुकान होने की सूचना है। शहनशाह मीट कारोबारी है। इसके अलावा पुलिस ने दो महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। SSP निताशा गुड़िया को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने सिटी SSP पूरन झा को छापेमारी के लिए भेजा। सिटी SSP के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापेमारी कर बड़ा सवाल उठ गया है कि बीच शहर में इतने पॉश इलाके में सेक्स रैकेट कैसे चल रहा था। सभी बिंदुओं पर जांच की बात SSP ने कही है। सेक्स रैकेट संचालक और ग्राहकों के साथ हिरासत में ली गई एक युवती कटिहार जिले की रहने वाली है, जबकि दूसरी कोलकाता की सोनागाछी की है। एक युवती 4 दिन से यहाँ थी, जबकि दूसरी मंगलवार को ही भागलपुर आई थी। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला है कि सेक्स रैकेट संचालक बबलू साह के साथ एक महिला भी शामिल है, जो बाहर की लड़कियों से बात करती है और यहाँ आने के लिए उन्हें तैयार करती है। पुलिस उस महिला की तलाश भी कर रही है। पुलिस की पूछताछ में यह पता चला है कि बबलू साह उर्फ अनिल साह नाबाग कॉलोनी में 9,000 रुपए पर महीने पर 3 कमरे का फ्लैट किराए पर लेकर सेक्स रैकेट चला रहा था। मकान मालिक बाहर रहते हैं, जिसका फायदा संचालक उठा रहा था। BCN न्यूज के लिए भागलपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। इंटर परीक्षा के तीसरे दिन प्रथम पाली में भागलपुर के TNB कॉलेज सेंटर से 10 मुन्ना भाइयों को दूसरे के बदले परीक्षा देते पकड़ा गया, जिसमें से 3 को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गौरतलब हो कि आज पाली सिटिंग में केमिस्ट्री की परीक्षा हो रही थी और इसी दौरान केंद्र अधीक्षक को परीक्षा दे रहे कुछ परीक्षार्थियों पर शक हुआ, जिसके बाद जब फोटो और सिग्नेचर का मिलन कराया गया तो 10 परीक्षार्थी दूसरे के बदले परीक्षा देते पाए गए। इस दौरान मुन्ना भाइयों ने पुलिसिया पूछताछ में यह स्वीकार किया कि वे सभी स्कॉलर है और 8,000 रुपए से 1,000-1,000 रुपए लेकर दूसरे के बदले परीक्षा देते है। वही इंटर की परीक्षा के दौरान एक सेंटर से बड़ी संख्या में मुन्ना भाई के पकड़े जाने से पूरा प्रशासनिक महकमा सकते में है। टीएनबी कॉलेज का मामला है। आज तीसरा दिन केमिस्ट्री की प्रथम पाली की एग्जामिनेशन हो रही थी, जिसमें 10 ऐसे बच्चे पकड़े गए जो दूसरे बच्चों की जगह पर एग्जामिनेशन दे रहे थे। जब बच्चों से ऐसे की गहराई से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ बच्चे 8,000, कुछ बच्चे 10,000 ऐसे ले करके वो दूसरे बच्चों के जगह पर एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इन बच्चों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दी गई है। और वैसे जो बच्चे जिनको ऐसे कि जिनके जगह पर ये एग्जामिनेशन दे रहे थे, उन्हें एक्सपेल कर दिया गया है। अब दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। BCN न्यूज के लिए भागलपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।